मैं उस वाले लिए हकड़ो मिस्टर आकिब हकड़ो के पास। Tell me all the things you want, put them. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं मौजूद हूँ डहरकी में, डहरकी एंग्रो में, एंग्रो की कॉलोनी में। बाहर चक्कर लगाने जा रहे थे तो सोचा आपको भी एंग्रो डहरकी की कॉलोनी दिखाते, तो चलते हैं साथ। बाइक भी है हमारे पास, देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं पहले कॉलोनी की बैक साइड पर। साइड है हमारे फ्रंट और कॉलोनी की और इस साइड बैक, तो पहले बैक साइड चलते हैं, वो साइड आपको दिखाते हैं। शायद अंधेरा हो फिर भी दिखाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं न्यू स्टेडियम बना है एंग्रो का। पहले एंग्रो कॉलोनी के बीच में होता था क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक और बनाया स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह के लिए बनाया है, वो दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये है बैक साइड पर मेरे पर एंग्रो का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं। और बाकी दिखाता हूँ, अंदर नहीं जा रहे, बाहर से इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और पहले वाला जो था वो भी दिखाता हूँ। Show me all the things you need and I'll give them, baby. Show me what's worth your calling. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एंग्रो डहर की कॉलोनी का दूसरा ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये है यहाँ की कॉलोनी का ओल्ड ग्राउंड। और यहाँ पर हम पहले आए थे, लास्ट टाइम जो मैं आया था ना, यहाँ पर हमने मैच खेला था। तो अभी जब मैं यहाँ पर हम पहुँचे ना, लड़के खेल रहे थे, लेकिन हम घर चले गए तो नहीं आया ग्राउंड पर। अभी लाइटें वगैरह बंद हो गई हैं तो इस बार नहीं खेलेंगे, पिछली बार खेले थे। ये है ग्राउंड, यहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी होते हैं और मैचेस भी होते हैं। Like Christmas, and it feels like you. If I could. तो अभी हम आए हैं यहाँ के एंग्रो के बच्चों के पार्क में। यहाँ पर इस साइड है सारे झूले वगैरह और इस साइड है खाली पार्क की तरह बना हुआ है, मतलब जो आए वो बेंचें वगैरह लगी हुई हैं। आप फैमिली के साथ आओ या किसी के साथ भी आओ, वहाँ पर बैठ सकते हो। और इस साइड है सारे बच्चों के झूले वगैरह, जिनमें से एक पर मैं भी बैठा हूँ। और बचपन में हम आते थे यहाँ पर, हम बचपन से आते हैं और बचपन में इन पर खेलते, अभी नहीं खेलते, अभी आपको दिखा दें सिर्फ। तो अभी मैं बचपन की एक याद ताज़ा करने जा रहा हूँ। हम बचपन में इससे स्लाइड लेते थे, इस स्लाइड से। तो अभी भी मैं आपको एक स्लाइड खुद की भी याद ताज़ा करूँगा और आपको भी अपना बचपना दिखाऊँगा। Give me all of your heart, and I'll give you my life. Give me the part that lights fire. Help me win away from sin. I need some time to fly away from this. Help me not to. तो अभी हम आए हैं एंग्रो के क्लब, जहाँ पर मतलब कैंटीन टाइप होता है और गेम्स वगैरह भी होती हैं और बंदा ऐसे बैठ भी सकता है, चिल भी कर सकता है। तो उसके अंदर जाएंगे, टेनिस कोर्ट, और ये है बना हुआ जालियाँ वगैरह लगी हुई ग्राउंड की तरह, ये है टेनिस का, और बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। तो अभी हम गए थे अंदर क्लब के अंदर, वो देख के आए, आपको भी दिखाया। और उसके बाद है हमारे साथ पास
ये वॉलीबॉल का, वॉलीबॉल खेलने की जगह और उसके साथ बैडमिंटन। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एंग्रोर डहरकी की मस्जिद। ये अंदर से बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी मस्जिद बनी हुई है, लेकिन अंदर से ही नहीं है जाना दिखाना वीडियो में, तो आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, देखें कितनी अच्छी बनी हुई है। अभी हमने एम्प्लॉयज़ कॉलोनी घूमी और उसके बाद आए हैं एंग्रो मैनेजमेंट की कॉलोनी में। और तो अभी मैं सबसे फर्स्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ मैनेजमेंट कॉलोनी का ग्राउंड। यह है क्रिकेट ग्राउंड मैनेजमेंट कॉलोनी का। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स खेल गई है, क्योंकि एंग्रो जो है ना वो क्वेटा का स्पॉन की वजह से यहाँ पर वो आती रहती है। अभी भी आई थी, पहले भी आई थी, इस ग्राउंड पर वो मैचेस खेलते हैं एंग्रो की टीम के साथ। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत इस कॉलोनी को भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मैनेजमेंट कॉलोनी की लेवल ही अलग है। घर चेक करें आप, कितना मतलब एम्प्लॉयज कॉलोनी है ना, उसके घर एक साथ ही है मतलब, तो इनका अलग अलग है। इनका गार्डन भी बैक साइड पर भी है और फ्रंट साइड पर भी है। और मतलब एक घर है ना, उसमें दूसरे घर में और एक में स्पेस है बीच में, तो ज़बरदस्त कॉलोनी है ये। वो भी अच्छी है एम्प्लॉयज वाली, लेकिन इसका मैनेजमेंट वालों की लेवल ही अलग है। हम आए हैं असल में रात के टाइम, अगर दिन के टाइम आते तो आपको दिखाने में भी मज़ा आता और हम भी ज़्यादा इन्जॉय करते, ज़्यादा सही से देखते। लेकिन अगली बार आएंगे इंशाल्लाह, दिन के टाइम आएंगे, आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे। तो अभी हम एंग्रो के दोनों कॉलोनीज घूमाए और अभी एंग्रो के गेट के बाहर आ गए और वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव एंग्रो। तो अभी जा रहे हैं हम घर और इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I will always be